हेलो दोस्तों, कुछ छात्र मेरे को पूछ रहे थे कि सर आरपीएफ का क्या आरपीएफ की वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। अब देखो, इतना तो आप ही सोच लो, और बहुत सारे यूट्यूब में भी टीचर है जो लगा रहे हैं कि आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है और एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया ये वो सब कुछ लगा रहे हैं। आपके पास बेस्ट मौका होगा, ये होगा वो होगा। तो देखो, आप एक बार खुद सोचो, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का तो एग्ज़ाम करवा ही नहीं पा रहा है, आरपीएफ की वैकेंसी कैसे दे सकता है, खासकर इस माहौल में। एनटीपीसी का CBT 2 नहीं हुआ है, रिजल्ट फर्स्ट आया नहीं है CBT 1 का, उससे पहले आरपीएफ की वैकेंसी और दे देगा। आरपीएफ की मिनिमम वैकेंसी 10,000+ आना है, 10,000+ आएगी। हाँ, तो आना तो इसको 2020 में ही था, लेकिन इस कोविड के कारण डिले हो गया। और ग्रुप डी के हालात देख लो, ये एग्ज़ाम तो हो ही नहीं रहे, तीसरी वैकेंसी रेलवे और दे देगा, जो दो ही पूरी नहीं हुई है। तो अब आप उन टीचर को बोलो कैसे होगा, क्या आपको लगता है कि आप एक बार खुद एक बार सोचो, ये RRB करवा रहा है सारा का सारा एग्ज़ाम, तो इनसे ये दो एग्ज़ाम पूरे हो ही नहीं रहे। एक साल NTPC का एग्ज़ाम चला था, 35,000 वैकेंसी है उसमें, ये एग्ज़ाम उन्होंने एक साल एग्ज़ाम चलवाया, उसके बाद अब ग्रुप डी ये पता नहीं कितना चलेगा। तो आप एक बार खुद सोच लो कि RPF वैकेंसी आ सकती है या नहीं आ सकती है।